Thank you.
Thank you.
से
जो घर घर में माँ के इबादत ना होती
بهترین طرف سیستیم هیچکیم بهترین خدا موت دے دے خدا موت دے دے تم سے جدا مجھ کو ایسی خدا لی بنے
సుధర్మకి పరపూజ్య భక్త శిరోమణి అక్కడ విద్యాసాగర్ మహారాజ్ కి విద్యాభూషణ చచ్చత్ నమన్ హమారా హై చచ్చత్ నమన్ హమారా హై ఆజ్ आप ही वहां बैठे बैठे मेरे मन में गुदगुदी हो रही थी कब मुझे माइक मिले और नेहा दीदी से मैंने माइक छीन ली आखिरकार हमारी नेहा दीदी उनके बारे में क्या कहूं पूज्य गुरु माँ की चहेती शिष्या मेरे ख्याल से इकलौती शिष्या जिन्होंने अपना सब कुछ उनके ऊपर निछावर किया है और वास्तव में नेहा दीदी वो काबिल शिष्या है जिस पे हर गुरु माँ को फक्र होगा अभिमान होगा स्वाभिमान होगा कि ऐसी शिक्षा हरेक को मिले। 2015 में जब रोहतक में पूज्य गुरु माँ का चतुर्मास हुआ तो हम लोगों में इतना जोश था और ये होता था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि आसमान से ताड़े तोड़कर जय चंडी जी रोहतक में लाके बिछा दे, वो भी कम है पूज्य गुरु माँ के चरणों में। और ये सब काफी हद तक पूरा भी हुआ पूज्य गुरु माँ के आशीर्वाद से, उनकी भावना से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से, क्योंकि माँ माँ शब्द में ही सारी दुनिया है और जब माँ सृष्टि भूषण के रूप में विराजमान हो तो उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। अब आते हैं नेहा दीदी पर। नेहा दीदी हमारा आज का टारगेट, आज नेहा दीदी का जन्मदिन है, बहुत मुबारक दिन है और हम सब पूरे साल इनका इंतजार करते हैं जैसा माता जी ने कहा कहीं भी हो। और मेरे घर पर सब मेरा मजाक की बात है इस बात का, नीलू बैठी मेरी वाइफ सामने, मैं 5 तारीख को आया तो बोली कि 12 को तो नहीं आओगे ना, इसको पता था कि 12 को नेहा का जन्मदिन है, मैं 12 को जरूर आऊंगा चाहे कुछ भी छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा 12 को जरूर आऊंगा चाहे आज बच्चों को वापस हो जाओ, आज 12 को जरूर आऊंगा। नेहा दीदी वास्तव में एक ऐसी शिष्या है, एक ऐसी हस्ती है जिसे मैं समझता हूँ भगवान ने मनाकर भी कब कई बार पूछा होगा कि मैंने क्या अपना के भक्ति को भेज दिया। तो कहते हैं खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा वो कहता होगा मैंने कब और कैसे इस शख्स को बना के धरती पर भेज दिया, मैंने तो ऐसा नहीं बनाया था, ये कैसे ऐसे बन गई। और इसके पीछे हमारे पूज्य गुरु माँ का हाथ है जिन्होंने नेहा दीदी को तराश कर उनके हर अवगुणों को गुणों में परिवर्तित कर एक ऐसी शख्सियत बनाकर हमारे सामने आज विराजमान कर दिया कि पूरे जैन समाज को, मैं कहूंगा पूरे भारतवर्ष की जैन समाज को हमें नेहा दीदी पर गर्व है कि आज हम नेहा दीदी के हमें नहीं। अभी रोहतक में ब्रह्म सागर महाराज जी आए थे तो मैंने महाराज श्री के सामने एक बात कही कि महाराज श्री हमें बड़ा गर्व है कि हम आचार्य श्री विद्यासागर जी के संघ में नहीं है लेकिन उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस टाइम में वो विराजमान है उसी समय में हम भी एक तुच्छ मानव के रूप में उनके साथ जुड़े हैं। उनके शासन काल में जिसको कहते हैं कि जब लोग भगवान महावीर स्वामी का शासन काल था जो लोग उन दिनों जुड़े हुए थे उन दिनों थे धरती पर, उन सबको ये स्वाभिमान होता होगा कि हम सब लोग भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में थे। आज हम सबको ये स्वाभिमान है कि हम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के शासन काल में धरती पर हैं और उनके शासन काल में उनके साथ साथ कुछ ऐसी हस्तियां हैं जैसे हमारी पूज्य गुरु माँ और उनमें आज मैं नेहा दीदी का नाम भी जोड़ूंगा। तो हमें बड़ी खुशी है जब नेहा दीदी है तो हम भी यहाँ पर हैं और जब वो नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, तो ये हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ा खुश कहते बड़ा स्वाभिमान होता है कि नेहा दीदी हमारा छोटा पैकेट। और छोटा पैकेट तो कहने को है, छोटा पैकेट इसलिए कहते हैं कि छोटी सी है वो, लेकिन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है गुणों में भी, उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती विराजमान है। और आज मैं पूज्य गुरु माँ से कह रहा था भजन, आज व्हाट्सएप पे मिला संयम भैया ने भिजवाया था, बड़ा सुंदर भजन था जिसमें लिखा था कि नजरगढ़ में उनकी दीक्षा हो इससे बड़ा उपहार गुरु माँ के तरफ से उनके जन्मदिन में नहीं हो सकता। हम भी कहते हैं कि पूज्य गुरु माँ की तरफ से नेहा दीदी के लिए जो उपहार हो सकता है वो दीक्षा ही है और हम सब पूज्य माँ को वचन देते हैं तन मन धन से जैसे भी हैं वैसे जहाँ पर भारतवर्ष के जिस भी कोने में नेहा दीदी की दीक्षा होगी आप हमें वहीं खड़ा मिलेंगे, ये हमारा वचन है। मंदिर के तरफ से वचन दे रहे हैं
तन मन धन जैसे हैं हाजिर हैं, नेहा दीदी के लिए जान भी हाजिर है। जितना प्यार वो उसे देते होंगे उतना ही प्यार वो मुझे भी देते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब अपनों से बड़ों का, भले ही पदवी में हम कहीं पर भी हों लेकिन उम्र में बहुत से बड़े हैं, और जब कोई बड़ा हमसे जुड़ता है और हमारे बारे में हमारे अवगुण भी और हमारे गुणों को भी हमें बताता है, हमें कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जैसा कि भैया बार बार कह रहे थे कि जान भी हाजिर है, तो वास्तव में माता जी के पास रहकर यही सीखा है कि जो जो धर्म से जुड़ा है, जो समाज से जुड़ा है और जो धर्म करने वालों के प्रति जिसका स्नेह है, उनके लिए हम लोग भी पूरी तरह से समर्पित हैं। पूरी तरह से हमें भी लगता है कि भैया जब जब आते हैं तो खुद ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि हमें यहाँ पर आना है, यहाँ प्यार और वात्सल्य आपका मिला। और जैसा कि सुबह से बार बार एक ही बात चल रही है और मुझे पता है जब भी ये बात चलती है तो मैं शायद भाभी का बहुत मसा हो जाता है कि ये क्या क्या चर्चा है, क्या प्रसंग चल रहा है बार बार दीक्षा 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 का। ये वास्तविक बात है कि मैं बहुत समय से माता जी से कह रहे हूँ, लेकिन अब 11 साल 12 साल शुरू हो गया और मैं भी आज देवेंद्र भगवान यहाँ पर विराजमान है, माता जी विराजमान है। 2018 चल रहा है, मैं 2019 क्रॉस नहीं होने दूंगी और
महाराज का जो मंगल प्रवास रहा वो भी आदरणीय भाई साहब जी की भेंटी में रहा, चाहे वो पुनिशुद्ध आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज हो, चाहे वो वसुनंदी जी महाराज हो, चाहे विशुद्ध सागर जी महाराज हो, चाहे गणपति माता जी, कोई भी संत, कोई भी मुनि, कोई भी आलेखक अगर रोहतक में प्रवेश करना चाहता है, हरियाणा में प्रवेश करना चाहता है, तो यहाँ पर टोल देना जरूरी है। सर भाई सम्मान इसी भाव में जोड़ पाता है, आपने बता दिया आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार जैन समाज की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए पूरे समाज की ओर से, धन्यवाद। चलिए आएंगे, समय बहुत हो रहा है, 8:15 बज गए हैं।
Thank you.
हम बार बार करते प्रभु को